आधुनिक सुविधाओं के दौर में सभी आधुनिक बेहतर सुविधाओं वाला रंजना मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सिटी सब्जी मंडी बरेली में पिछले 22 वर्षों से स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा है। रंजना मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि हमारे रंजना मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के मेडिसिन विभाग में डायबिटीज, थकावट, वजन कम होना, भूख प्यास कम लगना, हाथ पैरों में कंपन व सुन्नपन होना, सभी तरह के बुखार, टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, डेंगू, दिमागी बुखार आदि का अनुभवी डॉक्टरों द्वारा सफल इलाज किया जाता है। वही पेट रोग विभाग में पेट दर्द, गैस, जलन, पीलिया, पेट में पानी उतरना, भूख न लगना आदि के सफल इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। वही फेफड़ों के रोगियों में सांस फूलना, खांसी, बलगम, निमोनिया, फेफड़ों की टीबी, खांसी में खून आना, फेफड़ों में पानी उतरना आदि के सफल इलाज की सुविधा उपलब्ध है। वही रंजना मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में विश्वसनीय आईसीयू केयर, जनरल दूरबीन एवं लेप्रोस्कोपिक, हड्डी एवं जोड़ प्रत्यारोपण सर्जन, फिजिशियन, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ की सुविधा के साथ ही ऑपरेशन सर्जरी विभाग, मेडिसिन विभाग, बाल रोग विभाग, हड्डी रोग विभाग, गुर्दा एवं मूत्र रोग विभाग, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग आदि में डॉक्टर एस कुमार MBBS MD जनरल फिजिशियन, डॉक्टर शारिक अहमद MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर शाजिया बानो MBBS MS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अहमद अली MBBS बाल रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर कुंदन कुमार MBBS, डॉक्टर स्नेहा MBBS MD एनेस्थीजिया, डॉक्टर पीयूष अग्रवाल MBBS MS नेत्र सर्जन, डॉक्टर प्रवीण गर्ग MBBS MS आर्थो हड्डी रोग विशेषज्ञ आदि की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहती है। वही रंजना मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में पैथोलॉजी लैब, ECG, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन, ICU, इमरजेंसी सेवाएं आदि 24 घंटे उपलब्ध रहती है। वही मरीजों की सेवा के लिए प्रशिक्षित स्टाफ भी उपलब्ध रहता है। वही प्राइवेट वार्ड में मरीजों के लिए सभी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इसकी जानकारी देते हुए रंजना मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने बताया। मैं डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, डायरेक्टर भाई रंजना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बरेली सिटी सब्जी मंडी बरेली। डॉक्टर साहब, आपके रंजना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधाएं मरीजों के लिए उपलब्ध हैं? हमारे यहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं अवेलेबल हैं, जैसे कि ICU है, इमरजेंसी भी है, प्राइवेट है, जनरल वार्ड है, लैब की व्यवस्था है, बाकी सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल में कौन कौन से डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं? हमारे यहाँ डॉक्टर एस कुमार शर्मा है, जो MBBS MD जनरल फिजिशियन, ठीक है। उसके बाद में हमारे यहाँ डॉक्टर शारिक अहमद लैप्रोस्कोपी सर्जन है, बाकी डॉक्टर साजिया बानो गायनेकी हैं, MBBS MS हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, बाकी डॉक्टर पीयूष अग्रवाल हैं नेत्र सर्जन, और डॉक्टर प्रवीण गर्ग हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, और डॉक्टर बच्चों के डॉक्टर हैं डॉक्टर अहमद अली। डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल में और किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं? रंजना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बरेली में जैसे कि नेबुलाइजर है और ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ICU भी है, इमरजेंसी भी है, बाकी अपने लैब की व्यवस्था भी है, मरीजों के लिए सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ये सारी चीज़ें अवेलेबल होने के बाद भी और सभी प्रकार के डॉक्टर हमारे यहाँ अवेलेबल हैं ऑन कॉल पे, हर सभी प्रकार के डॉक्टर हमारे यहाँ अवेलेबल हैं ऑन कॉल पे। डॉक्टर साहब, जैसे कि गर्मी भी बहुत अधिक पड़ रही है और साथ साथ बारिश भी, इस मौसम में कई तरह के संक्रामक रोग उत्पन्न होते हैं, उन रोगों से बचने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाना चाहिए? जैसे कि मौसम चेंज होता है, बहुत सी बीमारियां हैं, जैसे कि मलेरिया है, टाइफाइड है, दिमागी बुखार है, बहुत सी बीमारियां होती हैं, उनसे बचने के लिए नियमित अपने पास सफाई रखें, खाने पीने से पहले हाथ धोएं, बहुत सी चीज़ें हैं जो उनका विशेष ध्यान रखना है, तभी आप संक्रमित रोगों से बच पाएंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी बन सकती है। अगर इस तरीके की कोई बीमारी अगर आप में दिखती है तो आप अपने नियमित या निकट जो भी डॉक्टर हैं आप उससे तुरंत संपर्क करिएगा, इसमें कोई भी लापरवाही ना बरतें। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपके हॉस्पिटल में जो मरीज आते हैं उनकी कई तरह की जाँचें होती हैं, जैसे ब्लड की जाँचें होती हैं, एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, CT स्कैन वगैरह जो होता है,
तो इसमें किस तरह की उन लोगों को सुविधाएं दिलवाई जाती है अस्पताल की तरफ से? हमारे यहाँ सारे खूनों की जाँचें, सारे प्रकार की सभी जाँचें होती हैं बहुत ही कम पैसों में और अच्छी। और जो भी ऐसे एक्सरे है, सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, एमआरआई है, जो हम बाहर कराते हैं दूसरे सेंटरों से, उसमें जो भी छूट होती है मैक्सिमम वो छूट हमारे हॉस्पिटल की तरफ से मरीजों को दी जाती है।